हेलो सीनियर सिटीजन्स, मैं डॉक्टर सदफ। अब जैसे एज आगे बढ़ती है वैसे बॉडी में थोड़े चेंजेस होते हैं। मसल स्टिफ होने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी और पोस्चर दोनों अफेक्ट होता है। आपके नेक मूवमेंट्स बराबर से हो नहीं पाते, आपका शोल्डर मूव नहीं कर पाता, जैसे आपको ओवरहेड एक्टिविटीज़ नहीं करने जमता है, आपके जो शोल्डर्स है वो आगे ड्रॉप होते हैं और आपका पूरा अपर बॉडी जो है वो आगे सिकुड़ता जाता है। तो ये जो पोस्चर और फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज़ है उसके लिए हम थोड़े एक्सरसाइजेस सीखते हैं अब, जो आप कर सकते हो दिन में 2 बार, एटलीस्ट 3 to 5 रेपिटेशंस। आप फर्स्ट एक्सरसाइज, आपका जो राइट ईयर है वो राइट शोल्डर की तरफ पुल करना है, ठीक है? तो फर्स्ट राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड। सेकंड एक्सरसाइज, आपने आपका जो राइट शोल्डर है वो दूसरे शोल्डर की तरफ पुल करना है, स्ट्रेच करना है, ठीक है? अगेन सिमिलरली ऑन द लेफ्ट शोल्डर, ये भी 3 to 5 रेपिटेशंस। नेक्स्ट आपने दोनों हाथ दोनों ऑपोजिट शोल्डर्स को टच करना है और आपने आगे झुकना है। नेक्स्ट आपने आपका जो हाथ है वो बैक ऑफ द हेड टच करना है, दोनों फिंगर्स क्रॉस करने हैं और आपने पीछे झुकना है। ये बहुत इजी 4 एक्सरसाइजेस है जो बहुत इजी है करने के लिए, और आप अगर दिन में 2 बार करते हो तो यू शुड फील मच बेटर। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।